लगता है कुछ ज्यादा गाढ़ा लाल देख लिया। अच्छा उधर वो हो गया कमाल ऑलरेडी। प्रवास द लीजेंड पागल है। इतनी देर क्यों कर दी? टैटू बनने में टाइम लग गया। तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। लेकिन उन्हें गर्लफ्रेंड्स कहते हैं। मेरी भी बहुत है सलाह। और मोहब्बत की हुंदी चले जीनू जी हुंदी। तो भाई लोग ये है आज की आखिरी वीडियो ऑन सलार फिल्म, क्योंकि आज हम देख रहे हैं क्लाइमैक्स। और इस सलार पार्ट वन में क्या होगा इसका क्लाइमैक्स वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं इसका क्लाइमैक्स देखूंगा और कहाँ पे ये इस फिल्म को ख़त्म करेंगे। तो क्योंकि सलार टू आनी है, कई जने बता रहे थे कि जो वेदा और वरदा की जो दुश्मनी बनती है जो एक यारी से, वो उसका जो रीज़न है वो सलार वन में नहीं पता चलेगा, वो सलार टू में। और कई लोग बोल रहे थे भाई सलार वन तो ट्रेलर है सलार टू का, सो भाई उससे लेके और ज़्यादा एंटिसिपेशन बढ़ रही है। सो मज़ा आएगा, आप देखना मैं भी देखूंगा। और इसके बाद कौन सी फिल्म देखेंगे वो भी हम डिसाइड करेंगे हमारी कम्युनिटी पोल में। सो पोल में जाकर वोट जरूर करना ये नेक्स्ट फिल्म कौन सी हो। सो बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। अबे ओ ऐसे कैसे हाथ लगाओगे भाई? ऐसे तेज करेगा तो चमड़ी भी नहीं उगड़ेगी। जरा जोर लगा के ऐसी ठाक बना कि हड्डी भी कट जाए। अबे क्योंकि भाई लोग तुम सब पे ये यूज होने वाला है। अब कुछ गुदवाना चाहता है, तेरे चारों ओर जिधर भी देखूं सिर्फ मौत ही मौत दिख रही है ना भाई? तुझे भी दिख रही है क्या? अबे अबे अभी याद आया उसको क्या हुआ था लास्ट टाइम। क्या गोदू बोल? जो भी मेरी आंखों में दिखे। आंटी जी हल्के में ले रही थी भाई। भाइयों ये भी कम थोड़ा ना है। क्या बनाया भाई हमें भी दिखाओ। अबे ये क्या हो रहा है भाई? वरदा वरदा थक जाएगा। हट हट तेरा बाप आया। सब कुत्ते क्या भाग रहे हैं? लगता है कुछ ज्यादा गाढ़ा लाल देख लिया। अच्छा उधर वो हो गया कमाल ऑलरेडी।
कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? अब देखेगा, तेरे बाप का बाप आया है, उन्हें इन सब को ड्रग्स दे के पागल बनाया। अरे कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है यार? प्रवास द लीजेंड पागल है। ए, सब कुत्तों को बाहर निकालो। इतनी देर क्यों कर दी? टैटू बनने में टाइम लग गया। यही है भाई, लोग इतनों को मार के थक गया। अगर मेरे हाथ में भी तलवार होती तो अब तक सबको काट चुका होता। अच्छा, एक ले लेते, बड़ी वाली तू रख। अबे यार, पर बास के गिने चुने डायलॉग है मूवी में, और जब भी बोल रहा है ओ भे, घुमाया कैसे उसको? 25 साल में तुम वापस क्यों नहीं आए? इतने दिन हो गए, बात करने का टाइम नहीं मिला। इन 25 सालों में तूने भी तो नहीं बुलाया कभी। बुलाना चाहिए था, पहले बुलाता तो शायद इतना लाल नहीं होता। अबे अबे, इंप्रेसिव। सीटी नहीं आती? सही है, सीटी मार, ताली क्यों मार रहा है भाई? प्यार देखो यार दोनों का, क्या जबरदस्त प्यार है। फ्रेंड्स बनाए क्या? बहुत सारे, तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। लेकिन उन्हें गर्लफ्रेंड्स कहते हैं। मेरी भी बहुत है। अबे वो देखा खड़ा कैसे उसको मार के, भाई स्टाइल में प्रवास नंबर वन। अबे क्या गेटअप दिया उसको, जो खून लग रहा है ना प्रभास की बॉडी पर, वो शाइन कर रही है सीरियसली। ओबे, अब सीटी बजेगी, प्रभास भाई सीटी बजाएगा। गुड वन यार। वैसे तुझसे ज्यादा तो मैंने मारे। आओ, ये ले। ये सब शुरू हुआ क्योंकि आप वर्दा को सरदार बनाना चाहते थे। We are all violent men. भाई साहब, हमारे खून में ही वायलेंस है। इसका भी हेड जाना चाहिए यार, जिस तरह से ये साला फुदक रहा था ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है। बरसों पुरानी फितरत मैंने 25 साल दबा कर रखा। ओ, मेरा बचपन का एक सपना है, किसी दिन तो ये होना ही था। आपस में लड़ने के लिए सीज फायर सिर्फ एक बहाना था। हर रोज छत पे जाके पूरे खान सर को देख के सोचता था, कब ये मेरा होगा, ये सब मेरा होगा, ऐसा सोचता था। कड़ों के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई, अब बस जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब मुझे चाहिए। हर कोई मेरी गद्दी चाहता है,
भाई प्रभास ने बोल दिया तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसीलिए वो एकजुट होंगे और सबसे पहले शामिल होंगे हमारे अपने। ओ भाई राजमन्ना उसको वो करता है भाई। तुझे क्या लगा तुझे मैं मार दूंगा? अपने ही खून को मैं क्यों मारूंगा मामा? हम दोनों मिल गए तो कांसार की हर एक टेरिटरी पर मन्नार की मोहर होगी। क्या बोलते हो मामा? चलो भाई। आपको लगता है मामा और रुद्रा हाथ मिलाएंगे आपके खिलाफ? रुद्रा ने पंडित को क्यों बुलाया है जानती हो? पंडित क्या कर सकता है मुझे मालूम है। दूसरी, मैं खानसार से बाहर गया था क्योंकि एक बहुत बड़ी वेपन स्टील हुई है जिसका ऑर्डर खानसार से गया था। कौन है वो? ओ वाली। राजमन्नार ने सभी शौर्यांगों को खत्म करके हम गणियारों को बख्श दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम उन्हें अपने साथ ऐसा नहीं करने देंगे। ओ ओ भाई साहब, अब खानसार के टुकड़े हो जाएंगे अगर हम एक हो गए तो पूरा खानसार हमारा होगा। ओ भाई, सभी मन्नार के खिलाफ जा रहे हैं। थेरू। तीसरी और सबसे भयानक वजह, मैंने 25 साल पहले जो किया वो आज मेरा शिकार करने आया है। बता कहाँ है सब? भारवा कहाँ है? भारवा? तुम्हारा पति मन्नार है ही नहीं तो फिर? मैंने खानसार के चारों ओर इतनी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी की जानती हो? क्यों पावरफुल वेपन्स और इतनी बड़ी आर्मी रखी जानती हो? क्योंकि मुझे डर था उनमें से कोई एक जिंदा हो सकता है। कौन है वो? वे कौन है? ये कोई नया बंदा है ऐड ऑन हो गया? अच्छा, जो पहले वो बोल रहे थे खत्म हो गया कबीला, बारवा शौर्यंगा है। ओ मैं सही समझाया नहीं यार, मुझे कमेंट करके बताना। जिस दिन हमारे माँ बाप वहां पर मर रहे थे तुम्हें पता है उन्होंने हमें किस तरह बचाया? ओ अरे ये देखे ना, बच्चे बच्चे बचा लिए। वेट 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 वेट, खानसार को कमजोर करने के लिए आपस में फूट डलवा कर शौर्यंगा की सेना सालों से चुपचाप सही मौके पर ये बात थी। ये बात। ओ भाई साहब, आज भी वो दर्द हमारे अंदर है। भाई इनके हर कबीले में शूरवीर थे। सब आज तक सबसे छुपते रहे, अपने नाम बदले, अपनी पहचान बदली इसी दिन के लिए। ओ क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? आपके बेटे वर्धा को। आज रात अगर दुश्मन को खत्म नहीं किया, निबंधन भड़काया इसने सबको। मैंने बोला था ना इसी यही है सबसे बड़ी जड़। तुमने हमारे भगवान का सर काट दिया। हाँ तुम्हें तुम्हारी इसी गति के साथ
जिंदा जलाने के लिए हर शौर्यांग तैयार खड़ा है। ओ, अबे कितने दुश्मन हो गए भाई कर्ता के, सिवाय उसे के। कौन? बस धारा याद है तुम्हें? 25 साल पहले इस गद्दी पर उन्हें बैठना था, हमारा नायक, पर तूने मार डाला। लेकिन उनका बेटा जिंदा है। ओ, अबे वो ही है। लेकिन उस रात तेरे बेटे वरदा ने उसे बचा के खानसार से बाहर भेज दिया। ओए, क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? क्यों फेंक दिया बताओ? हम सब इतने सालों से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो खुद लौट आया। अबे यार, वेदोर देवा और देवा, सॉरी, खानसार में कदम रखा है, देख लिया ना उसने क्या तबाही मचा दी है। यार अलग अलग कबीले से हैं दोनों, विष्णु को उसने तो ये होगा कारण इनकी दुश्मनी का, पक्का यही कारण होगा। हमारा नायक, अबे शिट, इसे बोलते हैं स्टोरी यार, नया सस्पेंस, नई स्टोरी। ओ भाई साहब, अपनी फौज तैयार करती हो बाबा? ये तो शौर्यांग है। ओह, वेट, शिट, आई नीड अ ड्रिंक। दारू है क्या? मन्ना रानी से कहो कि सिर्फ गेट पर नहीं पूरे खानसार में हाई अलर्ट में रहे। अबे इसका मतलब उसने फौज भी रखी हुई है, तो प्रवास लीडर है उनका। अरे भाई साहब, एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तैयार था, दूसरी तरफ नया दुश्मन, दूसरी तरफ हजारों शौर्यंगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार खड़े थे। अबे लेकिन देवा ने वही गद्दी वरदा को दिलाने का वादा किया था। लेकिन उस गद्दी पे बैठने का हक उसका भी है। वो तभी तो उन्होंने पूरे अपना वो आर्ट किया। जान गया तू? इनकी पूरी नस्ल खत्म कर दो। ओहो भाई, यहाँ पे खत्म करना, कुछ तो बता के जाना भाई प्लीज। बचपन में उसका नाम क्या रखा था मुझसे पूछा था ना? सलार। सलार। ओ हो हो हो, अबे यार शेट शेट, शौर्य वांगा परवम। अबे क्यों खत्म हुई भाई? ओके या तो गाइस ये थी सलार, और क्या एंडिंग की है इन्होंने। वाकई जो लोग बोल रहे थे ना कि सलार वन तो एक ट्रेलर था, सीरियसली दिस इज अ जस्ट ट्रेलर।
अभी जो आगे होगा ना वो खतरनाक होगा, क्योंकि उस गद्दी पर अधिकार और बैठना तो देवा को ही चाहिए, लेकिन वरदा उसका दोस्त है, तो पता नहीं क्या होगा आगे भाई। मतलब हम कोई गैस नहीं कर सकते, सीरियसली कोई गैस नहीं कर सकते, और अभी तक मुझे गूज़बम्स आए हुए हैं। जो उन्होंने दिखाया ना कि सभी आर्मीज, जो जितने भी कबीले के वो सरदार थे, वो सब अपनी अपनी आर्मी लेकर बैठे हुए हैं, और इनका गृह युद्ध भी चल रहा है, और उसी के चलते शौर्यवांगा भाई वो कबीला पूरा का पूरा वैसे ही खड़ा है, मोर पावरफुल मोर डेंजरस, एंड उसका सरदार है प्रभास यानी कि देवा। सो इट वुड बी यू नो ब्लास्टिंग जब सलार 2 आएगी ना भाई, कब आएगी यार, जल्दी आ जाए। कई लोग बोल रहे थे कि हमने 5-5, 6-6 बार ये फिल्म देख ली है और हम कभी भी बोर नहीं हुए, तो आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं कोई भी सीन अभी दोबारा देखूंगा ना तो मुझे कहीं पे भी ये बोरियत फील नहीं होगी, मैं आराम से बिना स्किप किए पूरे का पूरा सीन या पूरे की पूरी फिल्म अभी भी देखने के लिए तैयार हूँ। मतलब इसमें इतने सस्पेंस हैं, इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, स्टोरी मेन चीज़ इनकी स्टोरी ही है, इन्होंने स्टोरी को जिस हिसाब से यू नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया ना, कि जब हम देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे कि अच्छा ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो ऐसा लग रहा है कि हमने ना कोई मिस्ट्री सॉल्व कर ली, तो इसमें हम देख तो रहे हैं साथ साथ अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ रहा है हमें कि यार अच्छा तो ये बात है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो जब ये चीज़ हो जाती है ना तो भाई हिट हो जाती है फिर ऐसी फिल्में और ब्लॉकबस्टर रहती हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये देखने में, और इसमें प्रभास की जो लुक बनाई है, प्रभास की जो एक्टिंग है, मेरे ख्याल प्रभास के डायलॉग्स बहुत कम है इस पूरी फिल्म में, लेकिन जब जब भाई बोला है ना भाई, ही इज अ सुपरस्टार यार, ही इज द किंग, ही इज द किंग ऑफ इंडिया, मैं इंडिया ही बोलूँगा, मैं साउथ इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा, इंडियन किंग है वो। और जैसे हम शुरू में मैं ये बात सोच रहा था, और मैंने कमेंट्स में भी लोगों में पढ़ा था कि सलार 2 में पता चलेगा कि इन दोनों की दुश्मनी कैसे हुई, तो अभी हमारे सामने कुछ बातें सामने आई हैं। जैसे वो बोले जो राजमनार है, वो बोले कि 25 साल तक ये बात मैंने दबा के रखी, और शौर्यवांगा जो पूरे का पूरा कबीला ख़त्म किया था, तब कुछ बच्चे बच गए थे, उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा कबीला वैसे ही जो उससे भी मोर डेंजरस बन के सामने आया, और उनका जो सरदार है वो है प्रभास। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो प्रभास का फादर था वो शौर्यवांगा कबीला का सरदार होगा, और उस टाइम राजमन्नार ने यानी कि प्रभास के फादर को मारा होगा, ठीक है। और अब इतने सालों बाद जो प्रभास है वो राजमन्नार को मारेगा, और जब वो मरेगा तब वरदा और देवा दुश्मन बनेंगे, तो मे भी ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये हमारा गैस है। आप लोगों को क्या लगता है बता के ज़रूर जाना। अभी जो फिल्में आ रही हैं ना ज़बरदस्त है, तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फिल्म कौन सी हो जिस पे हम रिएक्शन करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उसी के बेस पे मैं कम्युनिटी टैब में एक पोल रखूँगा कि कौन सी फिल्म हो। एक फिल्म मेरे मन में है, वो है KGF 2, बाकी आप बताओ तो नीचे कमेंट करके, और जिस पे ज़्यादा लाइक्स हुए वो भी कंसीडर किए जाएंगे, और जिस पे ज़्यादा वोटिंग हुई कम्युनिटी टैब में तो उस फिल्म को हम अपनी रिएक्शन वीडियोस की सीरीज़ में ऐड करेंगे, ठीक है। और भाई लोग जिन लोगों ने पूरी फिल्म देखी है, पूरे सीन्स देखे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ ही लेकर आता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर यू हिट दैट।